अगर आप झारखंड से हैं तो आपने हाल ही में सरकार द्वारा 25,000 लोगों को एक साथ नौकरी देने की खबर को सुना होगा, फेसबुक में देखा होगा और सरकार से आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी। लेकिन क्या सरकार के इन दावों में सच है या सिर्फ दावे ही हैं? देखिए ये रिपोर्ट। फेसबुक, ट्विटर और अखबारों में ताना भगत स्टेडियम रांची में झारखंड सरकार के स्किल समिट 2018 का प्रोग्राम छाया रहा, जहां सरकार ने 25,000 युवाओं को रोजगार का प्रस्ताव पत्र दिया। सरकार के हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है आइए देखते हैं। जुलाई 2017 NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार अगले 5 सालों में झारखंड में करीब 43,88,000 मानव संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने 2021 तक सिर्फ 20 लाख लोगों के लिए ही स्किल डेवलपमेंट देने की व्यवस्था रखी है। अगर सिर्फ वित्त वर्ष 2016-17 की बात करें तो सरकार का लक्ष्य करीब 1,80,000 लोगों को स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग देना था और सरकार के अनुसार 25,000 लोगों को नौकरी भी दी गई। देखने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 1,80,000 के अपने टारगेट का यह केवल 13% ही है, जबकि मार्च 2015 में NSDC से हुए अपने MOU में सरकार ने कम से कम 50% लोगों को नौकरी और 20% को व्यापार से जोड़ने का करार किया था। इसे साफ पता चलता है कि सरकार अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है। अगर सरकार के विभिन्न महकमे की वेबसाइट देखें तो पाएंगे कि कुल नौकरियां 12,250 के आसपास बैठती है। अपने MOU में रघुवर सरकार ने कई चुनौतियों को भी गिनाया, जैसे ITI के अध्ययन में पढ़ रहे छात्रों के लिए सिर्फ कुछ प्लेसमेंट के अवसर, राज्य में निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदाताओं की सीमित संख्या, कौशल प्रशिक्षण से गुजरने वाले छात्रों की खराब उद्योग की तत्परता, मौजूदा कौशल कार्यक्रम में नौकरी की कमी शामिल है। इससे साफ होता है कि 17 वर्ष पुराने इस राज्य में रोजगार की कमी अभी भी है। शायद यही वजह है कि सरकार भी केवल 13% लोगों को ही नौकरी दिला पाई है। झारखंड के मेधावी छात्र, स्नातक हो, ग्रेजुएट हो या ITI ट्रेंड हो या इंजीनियरिंग हो, तो उन लोगों को उस नियुक्ति पत्र में मात्र 7,000 और 11,000 के बीच में तनख्वाह दी जा रही है, वो भी बेंगलोर, बॉम्बे, जयपुर, जुगनेश्वर, दूर दूर इलाके में सरकार ने कहा कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे जो मेगावी छात्र हैं झारखंड के, क्या वो बंधुआ मजदूर हैं कि वो 7,000 और 11,000 के तनख्वाह के बीच में अपने जीवन व्यापन कैसे करेंगे? सरकार अपने पत्र में ये भी लिखती है कि इन 25,000 नौकरी को दिलवाना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री का 1 साल में 1 लाख नई नौकरी देने का ऐलान युवाओं को बहकाने वाला लगता है। बहरहाल रघुबर सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है और राज्य के नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन करने में। गो न्यूज के लिए निखिल शारदा की रिपोर्ट।